नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार, स्मार्ट सॉल्यूशन पटना से। तो अभी हमारे पास जो है एक LCD है जिसकी फ्लेक्स डैमेज है, और देख सकते हैं कि इसकी पूरी जो स्क्रीन है वो निकल चुका है, और अगर इस पर हम अभी कनेक्टर लगा भी देते हैं तो वो हमारा शॉर्ट कर जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यूवी मास्क से इसके जो बैकअप की जो अंदर की पिन है उसे पहले बंद करनी है। अगर आप इसे नहीं बंद करते हो तो वो पिन में जब आप कनेक्टर लगाओगे शॉर्ट कर जाएगा और ये नहीं होगा। किसी ने इस पर काम किया है, नहीं हुआ तो ये रिटर्न हो गया। तो मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आप इससे सीख पाएँ कि अगर कनेक्टर में कुछ ज़्यादा भी छेड़छाड़ हो जाए तो आप उसे बना सकते हैं। यूवी ग्लू लेनी है, यूवी ग्लू आपको पूरा कनेक्टर में अप्लाई करना है इस तरीके से, और ज़्यादा ऊंचा लेयर नहीं बनाना है। ज़्यादा ऊंचा लेयर अगर आप बना दोगे तो आपका जो कनेक्टर बाद में लगेगा वो हाइट ऊंचा होने की वजह से बैठेगा नहीं। हल्के हाथों से इसको अप्लाई करना है सुई की मदद से यूवी ग्लू। और एवरीवन, हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास चलता है। दिए गए स्क्रीन की नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप कोई भी क्लास ले सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको मिनिमम प्राइस इसमें बताया जाएगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है मात्र 3,990 से स्टार्टअप है, जो कि मिनिमम प्राइसेस में आपको बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट ट्रिक मिलने वाले हैं। अब यह हमारा क्या है, सूख चुका है। सूखने के बाद अब हम इसको ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ब्लेड से स्क्रैच करेंगे ताकि उसकी जो अपर पार्ट है जहाँ ज़्यादा ग्लू होगी वो साफ़ हो जाएगी। ठीक है, इसको फिर सफाई कर लेना है आपको। इसके बाद अब हमें कनेक्टर लेना है, जो भी कनेक्टर इस पे हमें लगानी है। उस कनेक्टर को क्या करना है, पहले किसी भी एक दो तरफ से आपको हल्की सी सोल्डिंग सटा करके स्टॉप कर लेनी है, यानी कि रोक लेनी है। ठीक है, और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें पहले हल्का सा रंगा आप सभी पॉइंट में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका इजीली कनेक्शन बना ले। PPD इस्तेमाल कीजिएगा, दूसरा PPD नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो कनेक्टर की जो कनेक्टिविटी है वो लूज होगा और आपके कनेक्टर छूटने का चांसेस रहेगा। आपको कनेक्टर अच्छी तरह से अलाइनमेंट कर लेना है, ठीक है, उसके बाद हीट लगानी है ताकि आपका कनेक्टर इधर उधर मूव ना हो। लॉक करने के लिए सोल्डिंग आयरन से आप किसी भी एक पिन को फिलहाल के लिए टच कर दीजिए। हल्का सा फ्लक्स डालेंगे ताकि ये प्लास्टिक जो है काफ़ी नाजुक होता है, मेल्ट ना हो, जले नहीं। इसके लिए टेम्परेचर आप 240-230 ही रखिए, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्लेक्स है, मदरबोर्ड नहीं है। ठीक है, अब हमारा मेल्ट होने लगा है तो हम थोड़ा सा कनेक्टर को पुश कर देंगे, अलाइनमेंट कर लेंगे हल्की सी। अब इसको चेक कर लेना है कि देखिए हमारे कनेक्टर एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतर फिनिशिंग आई है। अब हम इसे चेक करेंगे हैंडसेट में लगा करके, और देख सकते हैं कि हमारा हैंडसेट प्रॉपरली एकदम एक बार में काम हो गया। जो कि डैमेज फ्लेक्स थी, कस्टमर को कहीं ना कहीं फोल्डर चेंज करवाना पड़ता, लेकिन ये हमारा सक्सेसफुली काम हो गया। ओके, थैंक यू एवरीवन।